उत्तराखंड के जंगलों की आग बनी चिंता का विषय। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग ने न सिर्फ किसी एक क्षेत्र बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी गर्माहट बना दी है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पहले भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता को आश्वासन देते हुए नजर आ चुके हैं कि सरकार जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर सवाल ये है कि कब ये प्रयास सफल होंगे और उत्तराखंड की जनता की यह परेशानी खत्म होगी। इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए नज़र डालते हैं पुष्कर सिंह धामी के दो शब्दों पर। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। सर, श्रीनगर में भी कल आर्मी के हेलीकॉप्टर ने काफ़ी जगह आग बुझाई। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।